पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आपको लग रहा होगा कि हम आपको प्रताड़ित करने आए हैं, किंतु हमारा विश्वास कीजिए कि इस समय हम आपसे कहीं अधिक पीड़ा और कष्ट में हैं। और इसका कारण है हमारी तारू का हमारे प्रति व्यवहार। एक और हम हैं जो तारू के सभी दुखों का निवारण करने के लिए आए हैं, और एक और चिकित्सक ध्रुव हैं जो उनके सभी दुखों का कारण है। फिर भी चिकित्सक ध्रुव के कारण तारू ने हमारी सूरत देखने से मना कर दिया। हम आपको कष्ट देने नहीं आए, आपका धन्यवाद करने आए हैं। यदि आप हमें शौर्य का सच नहीं बताती तो हमें ज्ञात ही नहीं होता कि चिकित्सक ध्रुव दारू के लिए कितने अयोग्य हैं। श्रीमान ध्रुव और राजकुमारी तारा समय सदी की धारा को मोड़ कर मिले। विधि के विधान में यह हस्तक्षेप है। उनका मिलना न कभी होना था और न कभी होना चाहिए। तो हमसे चूक हो गई जो हम तारू के प्रेम और उनकी जिद के आगे झुक गए। यदि हमने तारू और चिकित्सक ध्रुव का रिश्ता ही नहीं होने दिया होता तो आज हमारी तारू हमारे पास होती, हमारे साथ होती। बल्लभगढ़ में भी उन्होंने यही किया था। तारू को सदैव भड़काते रहते थे, आज भी तारू की बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि अंग्रेज शत्रु, और कभी कहते हैं कि शत्रु से बदला लेने की भावना अनुचित है, और कभी हमारे शत्रु पूरे प्रताप की मृत्यु का शोक मनाते रहते हैं। बड़े विचित्र व्यक्ति हैं। व्यक्ति बुरे नहीं है, किंतु उनकी विचारधारा है। उनकी विचारधाराएं हमसे मेल नहीं खाती। हमारा कल बड़ा दुखद रहा है। अपना घर परिवार सब खो दिया था हमने, तो अब हम अपने आज और आने वाले कल को खराब नहीं होने दे सकते। और आप ही देखिए ना, तारू और शौर्य के सिवा हमारा अपना, हमारा सगा इस पूरे संसार में और कोई है ही नहीं। इसलिए हम तारू और शौर्य को स्वयं से अलग नहीं होने देंगे। हमें क्षमा कर दीजिएगा मीनाक्षी जी, हमारी सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, आपको जाना होगा, बहुत दूर जाना होगा। खुद ले लूंगा। हम जानते हैं, परंतु हम तुम्हारी नहीं अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। थैंक यू। हमें तो बहुत चिंता हो रही है, हमें तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, हमारी तो बुद्धि ही खराब हो रही है, हमारी तो बहुत ज्यादा बुद्धि खराब हो रही है। हाँ, क्या हुआ, ये हो क्या रहा है? देखिए ना, ये हमारा ध्यान भटका रही है, जबकि कल रात से हम इस बात से चिंतित है कि मीनाक्षी भाई सब गई तो गई कहाँ। और ये बात तुम दोनों अभी बता रही हो? हाँ, तो आप लोगों में से किसी ने हमसे पूछा ही नहीं। तुम दोनों व्यर्थ की बाबू साहब, इन्हें डांट कर समय व्यर्थ करके कोई फायदा नहीं है।
हमें बिना समय नष्ट करे शीघ्र मीनाक्षी बाईसो को ढूंढना होगा। ढूंढते हुए तो हम भी आए हैं। चिकित्सक ध्रुव, आपको अपने आप शब्दों के लिए अभी इसी क्षण इस देवता जैसे पुरुष से माफी मांगिए आप। और जो यदि हम माफी ना मांगे तो आपकी कभी शक्ल नहीं देखेंगे, ये हमारा वचन है आपसे। हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आपको जो भी अपशब्द हमने कहे उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। भाई जी, ऐसे मत करिए। मैं जानता हूं आप एक अच्छे इंसान हैं। इतना अपमान किया आपने, इतने अपशब्द कहे, लेकिन ये है हमारे ध्रुव जिन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया आपको माफ करने में। और ऐसा एक सुलझा हुआ नेक दिल व्यक्ति ही कर सकता है। ये कितने भी महान हो परंतु आपके योग्य तो हम इन्हें अब भी नहीं मानते। हमारी पुत्री मीनाक्षी बाईसा कट्ठे चली गई और आप पारिवारिक बातें सुलझ जाना चाहती है। कट्ठे चली गई मीनाक्षी बाईसा वहीं जहां एक महाराज पर हमला करने वाले दोषी को होना चाहिए। वैसे दोषी हमलावर को हम महल में उन्मुक्त घूमने तो नहीं दे सकते ना। भाई जी, हम विनती कर रहे हैं आपसे, बताइए कहाँ रखा है आपने मीनाक्षी बाईसा को। देखिए, हम चाहते तो उन्हें एक बार में मार सकते थे, किंतु जानते हैं आपको उनकी बहुत चिंता है, इसलिए हमने ऐसा प्रबंध किया है कि हर घड़ी हर क्षण मृत्यु उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। क्या करें, चिकित्सक ध्रुव जितना विशाल हृदय नहीं है ना हमारा, किंतु थोड़ी उदारता अब भी है हमारे हृदय में। राजकुमारी मीनाक्षी ने हम पर हमला किया है। जाइए, अवसर दे रहे हैं आपको हम, ढूंढ लीजिए उन्हें, वो यहीं इसी महल में कहीं हैं। भाई जी, आप कैसे कर सकते हैं? एक क्षण सुना भाई साहब, चांदी भाई साहब, आप महल के बगीचे की ओर खोजिए। ध्रुव, हम दोनों चलते हैं वह चाला और सामान कक्ष की ओर। चलो शीघ्र कीजिए तारू, आपके पास अधिक समय नहीं है। तारा, इतने बड़े महल में कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? ढूंढना तो होगा ध्रुव। बाबा साहब, हमने आपकी यादों की पेटी बना ली है। मामा साहब, आप जो मोजड़ी ढूंढ रहे थे आपको मिल गई? हाँ मामा साहब। अच्छी बात है, चलिए अपने मामा साहब के साथ चलिए। मारे पोते को कट्ठे ले जा रहे हो? हम कुछ पूछ रहे हैं, मारे पोते को कट्ठे ले जा रहे हैं आप? आज से इस राज्य के महावीर हैं शौर्य प्रताप सिंह।
मीनाक्षी भाई साहब, मीनाक्षी भाई साहब, तारा यहाँ तो कोई भी नहीं है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।